फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2019 में 6 जुलाई को इंडिया और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला होने जा रहा है और टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। टीम इंडिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले हैं, उसमें से 6 में जीत मिली है, एक मैच में टीम इंडिया को हार मिली और एक मैच बारिश कारण रद्द रहा है। टीम इंडिया के फिलहाल 13 पॉइंट्स और टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगी तो टीम इंडिया 15 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर चली जाएगी। इसका बेनिफिट टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि नंबर 1 पर होने के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी और टीम इंडिया को न्यूजीलैंड को हराना आसान होगा। अगर टीम इंडिया ये मुकाबला हार जाती है तो 13 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर ही बनी रहेगी, लेकिन इसका नुकसान टीम इंडिया को ये होगा कि टीम इंडिया को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलना पड़ेगा और इंग्लैंड को होम कंडीशन का बेनिफिट मिलेगा। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में पहले ही भारत को हरा चुका है तो टीम इंडिया चाहेगी कि वो ये मैच जीते और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको टीम इंडिया की होने वाली ऑलमोस्ट कंफर्म्ड प्लेइंग 11 बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस वर्ल्ड कप में कर रहे हैं टीम इंडिया को सपोर्ट तो नीचे का लाइक का बटन दिया होगा उसको जरूर दबा दें और हमारे चैनल को जरूर कर दें सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के ओपनर्स की। तो ओपनिंग में दोनों ही ओपनर्स फिलहाल अच्छे फॉर्म में, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा इस मैच में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, 100% कंफर्म्ड है। वही इसके बाद बात कर लेते हैं टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की। तो नंबर 3 पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इस मैच में नजर आएंगे, जबकि नंबर 4 पर इनफॉर्म ऋषभ पंत नजर आएंगे और नंबर 5 पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एक्सपीरियंस MS धोनी इस मैच में नजर आएंगे। तो ये होने वाला है टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर। इसके बाद बात कर लेते हैं टीम इंडिया के लोअर ऑर्डर की, टीम इंडिया के फिनिशर्स की। तो इस मैच में नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक एक बार फिर दिखेंगे, वही नंबर 7 पर अभी इनफॉर्म हार्दिक पांड्या इस मैच में दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये होने वाली है टीम इंडिया के इस मैच में ऑलमोस्ट कंफर्म्ड बैटिंग लाइनअप। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया के इस मैच में होने वाली बॉलिंग लाइनअप की, यानी 4 प्रॉपर बॉलर्स की। तो टीम इंडिया के लिए नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार इस मैच में दिखेंगे, जबकि नंबर 9 पर इनफॉर्म मोहम्मद शमी इस मैच में दिखेंगे और नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल, जबकि नंबर 11 पर इस मैच में टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये होने वाली है टीम इंडिया की इस मैच में ऑलमोस्ट कंफर्म्ड प्लेइंग 11। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम ये मैच जीत रही है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।